डॉक्टर सुनील सिंह, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बेगूसराय की घटना पर कुछ बोला। बेस्ट पुलिस स्टेशन का डॉक्टर सुनील सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेगूसराय की घटना पर चुप्पी तोड़ी क्या? अभी भी मणिपुर में डॉक्टर सुनील सिंह क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी बिहार की इस घटना पर? इसीलिए कहा जा रहा है कि सिलेक्टिव सियासत है। मैं प्रवक्ता बोल रहा हूं और इस घटना जो जिस पार्टी को शूट करे आप वैसे ही बात करेंगे, आप जोड़ेंगे तो ये नाइंसाफी है। मैं कहीं नहीं जोड़ रहा हूं, मैं बिहार की घटना पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं डॉक्टर सुनील सिंह जी। में देखिए इस तरह के अपराध बिहार के धरती पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नतीजतन हमने तुरंत गिरफ्तारी की। बाकी मैं धीरेन्द्र कुमार के पास चलता हूँ, एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार, क्या चल रहा है बिहार में? कोर्ट में ले जाएंगे। देखिए ये बिहार में कानून, डॉक्टर सुनील सिंह मैं आपके पास आता हूं, मेरा सवाल धीरेन्द्र कुमार से। धीरेन्द्र कुमार, आज सचमुच में हम सभी शर्मसार हैं। ये चाहे मामला मणिपुर का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, इवन बिहार का हो, इसको कहीं से भी बेटियों को, अपनी बहनों को हम राज्यों में बांट देंगे? राजनीति करते करते इतनी नैतिकता हम लोगों की गिरनी चाहिए? मैं सभी पैनलिस्टों से भी आग्रह करता हूं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री से भी मांग किया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और तमाम अन्य राज्यों से भी मैं वहां के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर एक ऐसी नजीर पेश करना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह का कदम नहीं उठाए। आज हम लोगों को, मैं तो सुन रहा हूं सभी लोगों को, ये मणिपुर का घटना हो गया, ये राजस्थान की बहन हो गई, ये बिहार की बहन हो गई, ये दलित हो गई, अरे यहां पर आके बंद करिए इन सब चीजों को, देश देख रहा है। आज पूरा देश शर्मिंदा है, आज पूरा पुरुष वर्ग शर्मिंदा है, और कोई भी आ जाए, किसी राज्य की भी लड़की हो या महिला हो, और इस पर बहस करके कठोर कानून बनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के मित्रों को या अन्य विपक्ष के मित्रों को इस पर सदन में आकर बहस करनी चाहिए ना, तो सदन का एक तरफ आप बहिष्कार करते हैं, न्योता जब सदन में मिलता है कि इस पर कठोर और कड़ी कानून बनाई जाए, वहां पर तो आप लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं। क्यों वहां पर नहीं आना पसंद करते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी सदन में नहीं जाएंगे, इसलिए। अरे कुछ तो ऐसे मुद्दे हैं, अरे ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सभी जो भी राजनीति करते हैं, जो नहीं भी राजनीति करते, भारत के एक एक नागरिक का एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहनों की, माँ की इज्जत की जाए। लेकिन मैं जो देख रहा हूं और जो सुन रहा हूं, बंगाल में कुछ और जोड़ दिया जाता है, बिहार में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि दलितों के लिए मैं सबसे काम किया हूं ज्यादा, महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बड़े लंबे चौड़े करते हैं। लेकिन आज बिहार में एक दलित महिला के साथ जिस तरह की घटना घटी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, और मैं लोगों से भी आग्रह करता हूं कि क्या बर्ताव हुआ है उसको मत दिखाइए, ब्लर करके भी नहीं दिखलाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कान में तेल देके सोए हुए हैं, तेजस्वी यादव जी सोए हुए हैं, अरे आपके कहने से बिहार में बाहर है। सुनील बाबू, माँ बहन की इज्जत के लिए आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आप लाठी चटकाना जानते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, ना बिहार में सुरक्षित है, न बंगाल में सुरक्षित है। राजस्थान में कार्रवाई करनी चाहिए थे दोषियों पर, तो कार्रवाई जो सच बोला है मंत्री ने, उसको वहां पे सस्पेंड किया गया और हटाया गया। बिहार में सारे लोग सुरक्षित हैं, मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर ये बातें कहता हूं। डॉक्टर सुनील सिंह, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं सुप्रिया श्रीनेत के पास चलता हूं। आप चिंता ना करें। चलिए सुप्रिया जी, हम लोग सभी को चिंता करनी चाहिए भाई। धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आता हूं। सुप्रिया जी, ये आरोप जो अभी धीरेन्द्र कुमार की तरफ से लगाया गया कि मणिपुर पर संसद में चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है, यही आरोप स्मृति ईरानी आप लोगों के ऊपर लगा रही है, क्या मणिपुर के मुद्दे पर आप संसद में चर्चा करना चाहते हैं या नहीं? देश को बरगलाना भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता, उसके मंत्री छोड़ दें। देश के नेता सदन प्रधानमंत्री हैं, सत्र चल रहा है, सदन सत्र में है, प्रधानमंत्री 8 मिनट 25 सेकंड का भाषण सत्र के बाहर देते हैं, सदन के बाहर 36 सेकंड मणिपुर पर बोलते हैं। नेता सत्र है, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। आज हम चाहते हैं कि वो सदन में आए, लोकसभा और राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दे मणिपुर पर, एक बहस हो और हम सब मिलकर मणिपुर को यह विश्वास दिलाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधान बीच में बोलिए मत, आप बोल रहे। धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आऊं, एक एक करके स्टेटमेंट करेंगे।
प्रधानमंत्री बहस में हिस्सा नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको इस देश ने चुना है, आप 140 करोड़ लोग इंक्लूडिंग मेरे प्रधानमंत्री हैं। मैंने आप मैं मुझे नहीं लगता कि ये देश आपको ये समझता है कि आप चुनकर जो बाइडेन से गला लगिएगा या जो माइकल को गले लगाइएगा। ये देश चाहता है कि जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन में। लेकिन सुप्रिया जी सरकार तो कह रही है कि वो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। अपील करें सुप्रिया जी, सरकार कह रही है कि मणिपुर पर चर्चा के लिए सदन में तैयार है। अरे प्रभु मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं आप ही की बात सुन रहा हूं। चर्चा होगी, प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे। सरकार ये क्यों नहीं कहती कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देंगे? हम क्यों बोले कि बाकी मंत्री इस्तीफा, बाकी मंत्री स्टेटमेंट दे? इस देश का नेता सदन कौन है? लोकसभा का नेता सदन इस देश का प्रधानमंत्री है। और जो एलजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, दो सेकंड की बात मैं कहना चाहती हूं, बिहार याद रहा, बंगाल याद रहा, राजस्थान याद रहा सुरक्षा में, मणिपुर का नाम नहीं ले पाया। और सभी राज्यों के लिए बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री कान में तेल डाल के सो रहे थे। सभी जगहों के लिए बोल रहा हूँ सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री कान में तेल डालकर सो रहे थे। आपने सुना नहीं क्या? तेल डालकर सुना नहीं क्या? ये असलियत है मणिपुर की। आपने नाम नहीं लिया, जाकर अपना वीडियो देखिएगा दोबारा से। सुप्रिया जी नहीं बांटिए, छोड़ दीजिए सुप्रिया जी, छोड़ दीजिए सुप्रिया जी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछा था, आपने सभी मुद्दों पर बोला, आप उस सवाल को, सवाल का जवाब दिया सुप्रिया जी। एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा जवाब दिया आपको सुप्रिया जी। मैंने सीधा जवाब दिया, मेरा एक सवाल प्रधानमंत्री को सदन में बोलना पड़ेगा सुप्रिया जी। मेरा जो बोलेंगे सुप्रिया जी, मेरा जो मूल सवाल था सदन के वो नेता है धीरेन जी, धीरेन जी मैं आपके पास आऊंगा सुप्रिया जी। मेरा आपसे सवाल सुप्रिया जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि राजस्थान में जिस मंत्री को बर्खास्त किया गया, मैंने स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा था और अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है, उनको क्यों बर्खास्त किया गया? क्या उन्होंने जो महिला सुरक्षा पर आईना दिखाया, क्योंकि आप एक महिला हैं, काफी अनुभवी हैं, और इस तरह से क्या हटा देना, बर्खास्त कर देना आप सही मानती हैं? मैं इस पर आपका व्यू जानना चाहता हूं। मैं बताती हूं मैं क्यों सही मानती हूं, मैं बताती हूं मैं क्यों सही या गलत मानती हूं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देती हूं और उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे। ये राजस्थान बनाम बिहार बनाम बंगाल बनाम मणिपुर की बैटल नहीं है, ये बैटल ये देश की बात है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ, हाँ तो इसीलिए सुनिए मेरी बात, महिलाओं के साथ देश में कहीं पर भी अपराध हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्यों में हो, चाहे वो भाजपा शासित राज्यों में हो, चाहे गैर कांग्रेस गैर भाजपा में हो, वो सर्वथा गलत है। लेकिन कानून व्यवस्था क्या करती है, सरकारें क्या करती है, उसके बारे में बात आकर इस पर टिक जाती है। राजस्थान में कन्विक्शन रेट 47% है, नेशनल एवरेज 25% है। राजस्थान में 67 दिन के अंदर सजा मिलती है औसतन, 78 दिन तक सरकार कान में तेल डालकर सोती रही है, ये अंतर है। इसीलिए राजस्थान को और मणिपुर को जो कंपेयर कर रहे हैं वो अक्षम अपराध कर रहे हैं, मीडिया भी इस अक्षम अपराध का। सुप्रिया जी कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, जो हुआ वो हैवानियत जी, और उस हैवानियत के बारे में सरकार को पता था, ये याद रखिएगा सुप्रिया जी। बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ये बहुत बड़ा अंतर है सुप्रिया। हम सभ्य समाज में इस अंतर को नहीं समझ पा रहे सुप्रिया जी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। राज्यों में महिला सुरक्षा को नहीं बांटा जा सकता है, महिला अत्याचार को राज्यों में नहीं बांटा जा सकता है। लेकिन जो मेरा, मैं चारू के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रिया जी देश का नागरिक होने के, सुप्रिया जी कांग्रेस फॉरगेट बीजेपी, सुप्रिया जी फॉरगेट वुमन, सुप्रिया जी आप लोकतंत्र की बात करती हैं। सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी मणिपुर है। सुप्रिया जी चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री सदन में आए और उस पर स्टेटमेंट दे। बिल्कुल, इसमें क्या गलत अपेक्षा कोई कर रहा है? सुप्रिया जी आपकी बात अपने पार्टी का पक्ष रख रही है। सुप्रिया जी आप अपने पार्टी का पक्ष रख रही हैं, बिल्कुल ठीक है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन मेरा वही सवाल है सुप्रिया जी कि आपने अपने मंत्री को क्यों बर्खास्त कर दिया? उन्होंने बस महिला सुरक्षा पे कहा, यहां पर भी चर्चा हो जाए। आप तो काफी लोकतंत्र की बात करती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करती हैं, आपने अपने मंत्री को क्यों बर्खास्त किया? मुझे आप इसका जवाब नहीं दे रही हैं। आई कांट हियर एनी सुप्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है? सीनियर